बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्वर्गवासी लेजेंडरी आर्टिस्ट कादर खान के बड़े बेटे अब्दुल कुदुस खान के गुजर जाने के बाद अब उनके परिवार वाले जिन्होंने उनकी अंतिम विदाई की है उन्होंने कुछ जानकारियां उपलब्ध कराई हैं अब्दुल के अचानक निधन के पीछे की वजह बताई है। दरअसल किडनी संबंधित समस्या से अब्दुल कुदुस जूझ रहे थे, दोनों ही किडनी उनकी फेल हो चुकी थी। कहा जा रहा है कि 50 की एज के आसपास थे वो, 15 साल से उन्हें ये प्रॉब्लम थी, किडनी संबंधित समस्या 15 साल से उन्हें थी और पिछले 10 साल से उनका डायलिसिस चल रहा था। 6 महीने से हॉस्पिटल में अब्दुल कुदुस भर्ती थी। ये बात सरफराज कादर खान के दूसरे बेटे सरफराज की पत्नी शाहिस्ता ने बताई है। 24 मार्च को उन्होंने आखिरी बार उन्हें देखा और वो अपने आर्म्स दिखा रहे थे, अपने हस्बैंड को साइन लैंग्वेज से बता रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर वो हो गए थे। जी हाँ, सरफराज अपने भाई को वो बता रहे थे अपनी तकलीफ। 24 मार्च के बाद अब्दुल कोमा में चले गए थे, उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की और फिर अंतिम सांस बीते कल की सुबह उन्होंने ली और उनकी अंतिम विदाई हो चुकी है। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। अब्दुल के एलिमेंट के बारे में परिवार वालों ने बताया वो सब जानते थे और ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत परेशान थे अपने पिता को लेकर। अब्दुल अपने पिता कादर खान से अक्सर मिलने के लिए घर आया करते थे और शांत से बैठा करते थे। अनफॉर्चुनेट बात है कि अब्दुल भी हम चले गए हैं परिवार को छोड़कर, जो अपने पिता से बहुत गहरा लगाव रखते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।